मैं राजेश जाट और आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि जो भी युवा साथी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी 19 जनवरी 2020 यानी कल महू एआरओ के अंतर्गत पूछे गए हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ के जो युवा सिलेक्टेड हैं, जिनका नाम है सोहन सिंह राजपूत, विशाल जाट, कैला सिरवी एंड बलराम पाटीदार, चारों ने ये क्वेश्चंस बताए हैं। एक्चुअली 12 क्वेश्चन ही पूरे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस मिस हो गए हैं, याद नहीं आ रहे हैं, तो मैंने 12 क्वेश्चंस पूरे जीके से, वो सिर्फ और सिर्फ जीके वाला पार्ट बता रहा हूँ, है ना। ऐसे कि 12 के 12 क्वेश्चंस आप इनको एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा था जीके का, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा श्रीहरिकोटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा था, सरोजनी नायडू का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। ट्रेडमैन में पूछा था कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो उसका नाम था सरोजनी नायडू, और यहाँ पर क्वेश्चंस को घुमा के पूछ लिया है कि सरोजनी नायडू का संबंध किस राज्य से है, तो ये इनका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा था, सबसे ज़्यादा संवैधानिक निर्वाचन वाला देश कौन सा है, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत, क्योंकि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, ठीक है, तो संवैधानिक निर्वाचन वाला देश भी हम भारत को ही बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा है, स्पोर्ट्स से पूछा है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है, तो ओलंपिक वर्ष हमेशा 4 वर्ष में होता है, आपको सभी को पता होगा और आप सही करके भी आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें देखिए ट्रेडमैन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था स्पोर्ट्स में पिच से रिलेटेड कि क्रिकेट की पिच कितने लंबी होती है, तो उसका 22 गज मैंने आपको ट्रेडमैन में डाला, यहाँ पर ओलंपिक से रिलेटेड पूछा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत एंड चीन, ये इसका सही आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन पूछा है, अशोक के पिता का नाम क्या था, तो इसका बिंदुसार आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, अशोक के पिता का जो नाम था वो क्या था, बिंदुसार, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9th, अगर आपने एग्ज़ाम दी है तो आप प्लीज़ इनको एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपने यही सही लगा है, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आप 100% सिलेक्ट होंगे भर्ती में, ठीक है। सूचना का क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 2005, ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा था। स्पोर्ट्स से यहाँ पर जीडी में एक और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, टाइगर मैन किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सही गोल्फ, ठीक है। टाइगर नाम के जो मैन है ये गोल्फ से गोल्फ खेलते हैं, इनका नाम टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, तो ये इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन द्वारा। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों नेपाल में है, और आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि नेपाल में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर के समथिंग इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट ही है, और ये नेपाल देश के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारे जीडी के 12 क्वेश्चंस मैंने एग्जैक्ट सही लिए हैं, ठीक है, और ये इन्हीं से लिए जो हमारे यहाँ से बच्चे गए थे, हमने सारा सर्च किया, उनको 12 ही क्वेश्चन याद हुए, 3 क्वेश्चन उनके माइंड में आ नहीं रहा है, तो मैंने नहीं डाले वो क्वेश्चन, तो ये ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके का पैटर्न आता है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक पूछते हैं, देखिए ज़्यादा डीपली नहीं पूछा गया, अगर आपने ईमानदारी से थोड़ी भी साल भर अगर मेहनत की होगी तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में सफल होंगे, और आशा करते हैं आप सभी लोग इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हों और देश सेवा का मौका पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत।